फार्म बिल के बारे में किसानों के साथ आठ बार बात हो चुकी है अभी नौवे दौर की बातचीत चल रही है आप इसे कैसे देखते हैं क्या किसान सरकार की बात नहीं समझ पा रहे हैं या सरकार किसानों की स्थिति नहीं समझ पा रही है किसान 26 जनवरी को एक विशाल रैली ट्रैक्टर रैली निकालने की योजना बना रहे हैं देखिए मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वो क्या चीज है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों को वाकई में परेशान कर रही है आ, ऐसा नहीं लगता कि नई नीति से यहां के किसानों को कोई परेशानी है मैंने उनमें से कई लोगों से बात की है उन्हें वैसा नहीं लगता तो मुझे लगता है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में या देश के विभिन्न राज्यों में कुछ खास चिंताएं हो सकती हैं तो मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इतना आगे बढ़ चुका है और बेमतलब किसान सड़क पर बैठे हैं जिससे बाकी लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और वे खुद भी बहुत तकलीफ झेल रहे हैं और सरकार भी ठीक से काम नहीं कर पा रही है क्योंकि लगातार ये विरोध चलते रहते हैं तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा यह होगा कि इन कानूनों को देश के लिए सिफारिश बना दिया जाए सबसे अच्छा होगा कि वे राज्य सरकारों के नेतृत्व को समझाने की कोशिश करें कि इन कानूनों का क्या महत्व है इससे राज्यों में किस तरह के निवेश आएंगे किस तरह का विकास होगा और किस तरह से बुनियादी ढांचे बनेंगे इससे किस तरह की कोल्ड चेन बनेगी और मूल्य वृद्धि करने वाली बुनियादी ढांचे तैयार होंगे और अगर राज्य नीति को नियंत्रित करना चाहते हैं अगर उन्हें डर है की कॉरपोरेट खेती आरोप अपना अधिकार जमा लेंगे तो राज्य उन पहलुओं को कंट्रोल करने के लिए कानून में बदलाव कर सकते हैं हर बेकार में तकलीफ झेल रहे हैं मुझे लगता है कि ये, ये एक बड़े पैमाने पर फैली हुई गलत है मैं किसी एक समूह की बात नहीं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा और ये लोग समझ नहीं पाए वो क्या कह रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट भी शामिल हो गया है और दुर्भाग्य से हम एक तरह से हम सभी प्रमुख संस्थानों को जो इस देश के लिए महत्वपूर्ण है इस तरह के विवाद और बहस से जोड़कर उनको महत्वहीन बना रहे हैं और हर जगह कोई इस बहस पर अपनी राय दे रहा है मुझे लगता है अब समय आ गया है कि सरकार इस कानून को एक सिफारिश बना दे और हर राज्य अपने किसानों से सलाह मशवरा करके उनकी जरूरतों के अनुसार नीति में अपने मन चाहे बदलाव ला सकता है मुझे लगता है की यही आगे बढ़ने का तरीका है